हेलो गाइस, एक बार फिर आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज का मेरा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आज का मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ। मुझे लाविया शर्मा जी ने मैसेज किया था कि उनका बर्ड 5 साल का है और वो बिल्कुल भी वेजिटेबल्स फ्रूट्स खाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीड्स खाता है, वो भी सिर्फ सनफ्लावर सीड्स खाता है। तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं आपको बताऊं कि आपके बर्ड को सीड से वेजिटेबल डाइट पर कैसे लाना है और आप क्या कर सकते हो जिससे वो आ सकते हैं। सारे बर्ड्स अलग अलग होते हैं, उनकी पर्सनालिटी अलग होती है, उनका इंटरेस्ट अलग होता है, उनका खाने का तरीका अलग होता है, उनके चॉइसेस अलग अलग होते हैं। मुझे रियो का पता है क्योंकि रियो मेरे साथ है और मुझे पता है रियो को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, उस हिसाब से मैं रियो को देती हूँ। आपको आपके बर्ड का पता होगा क्योंकि आपका बर्ड आपके साथ रहता है, तो आपको देखना है कि आपके बर्ड को क्या पसंद है कैसे पसंद है, उस हिसाब से आपको करना होगा। मैं आपको छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी, ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके बर्ड को सीड डाइट से वेजिटेबल डाइट पर 100% ला सकते हो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बर्ड के हेल्थ के लिए। बर्ड को वेजिटेबल्स खाना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट्स 20% और वेजिटेबल अराउंड 80% उन्होंने खाना चाहिए, उनके हेल्थ के लिए काफी अच्छा है ताकि वो स्ट्रांग और हेल्दी जिए। मैं नहीं चाहती हूँ आप में से किसी का भी बर्ड 4 या 5 साल में मर जाए। मैं चाहती हूँ अलेक्जेंडर पैरट, रिंगनेक पैरट या आपके पास जो भी पैरट है, सारे पैरट्स के लाइफ स्पैन 30 ईयर्स तक होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपका बर्ड 25 से 27 एटलीस्ट साल तक जिए, अगर 30 साल नहीं तो एटलीस्ट 25 से 27 साल तक जिए। ऐसे जीने के लिए उनको अच्छा खाना जरूरी है, हेल्दी खाना जरूरी है। जो भी बर्ड सीड डाइट पे है, जो भी बर्ड सीड्स ज्यादा खाते हैं, उनको फैटी लिवर्स हो जाता है, उनका लिवर फेलियर हो जाता है, किडनी प्रॉब्लम्स होता है, बहुत प्रॉब्लम्स होने की वजह से बर्ड्स जल्दी मर जाते हैं। तो आपको आपके बर्ड को सीड डाइट से वेजिटेबल डाइट पर लाना है, उसके लिए क्या करना होगा मैं आपको बताती हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि अगर आपको आपके बर्ड का कोई भी आदत चेंज करना है, कोई भी बिहेवियर चेंज करना है, कोई भी नेचर चेंज करना है, तो उसके लिए आपको आपके बर्ड के साथ पहला तो फ्रेंडशिप करना होगा। उनके साथ आपका रिश्ता अच्छा होना चाहिए, वो आपके साथ कंफर्टेबल रहना चाहिए, वो विलिंग रहना चाहिए कि आप जो बोल रहे हो जैसे चाहिए वो वैसा करे। क्योंकि एक पैरट जब एक इंसान के साथ रहता है कैप्टिव में, वो उसका फैमिली बन जाता है, तो ये जरूरी है कि फैमिली के साथ कोई भी फैमिली मेंबर कंफर्टेबल हो, क्योंकि उन्हें जिंदगी भर हमारे साथ ही रहना है, तो उनके साथ वो कंफर्टेबल होना चाहिए। तो जब पैरट अगर हमारे साथ कंफर्टेबल है, उनका रिलेशन हमारे साथ अच्छा है, तो उनकी कोई भी नेचर बदलना मुश्किल नहीं है, आसान हो जाता है। तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपका आपके पैरट के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तो प्लीज पहले अपना रिलेशन सुधारिए पैरट के साथ, और पूरी कोशिश कीजिए कि आपका पैरट आपके साथ कंफर्टेबल रहे। उसके बाद ये जो ट्रिक्स और टेक्निक्स मैं आपको बता रही हूँ, ये फॉलो करना और ये ट्रिक्स और टेक्निक्स यूज करना आपके लिए बहुत इजी होगा। सेकंड, ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये उन बर्ड्स के लिए है जो बिल्कुल भी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं खाते हैं, ये उन बर्ड्स के लिए नहीं है जो ऑलरेडी वेजिटेबल फ्रूट्स खा रहे हैं, या तो फिर जो बर्ड 2 महीने के हैं। 2 महीने के बर्ड को हम कुछ भी दो तो वो खा लेते हैं, तो अगर आपका पैरेट 2 मंथ्स का है तो आप उन्हें ऐसे ही बिना कोई ट्रिक्स टेक्निक्स के उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंट्रोड्यूस कीजिए, वो खाएंगे। पर ये मेरा वीडियो स्पेशली उन बर्ड्स के लिए है, उन पैरेट के लिए है जिन्होंने आज तक कभी वेजिटेबल खाया नहीं है और जो ऑलरेडी सिर्फ सीड डाइट पे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बोला है कि हर एक बर्ड का चॉइसेस इंटरेस्ट खाने में अलग अलग होता है, उस हिसाब से हमें उन्हें देना होता है। कुछ बर्ड्स को ऐसे फुल कैरेट पसंद है खाना, वो पकड़ के खाते हैं, कुछ पैरेट्स को ये पीसेस में आप बना के दोगे तो वो खाएंगे, कुछ पैरेट्स सर्कल में बना के देंगे तो वो खाएंगे, कुछ पैरेट्स को चॉप किया हुआ पसंद होता है क्यूब्स में, ऐसे खाएंगे, कुछ पैरेट ग्रेट किया हुआ खाएंगे, ये देखिए आप ग्रेटेड है, कुछ पैरेट को ग्रेटेड पसंद होता है, और कुछ पैरेट्स
बॉईल किया हुआ खाते, ये बॉईल किया हुआ है, मैंने पकाया है इसको, देखिए सॉफ्ट होगा, इसको मैंने पकाया है, तो ये पका हुआ है, ये फुल है, ये वाला फुल है, आप आपके पैरेट को फुल देके दीजिए अगर वो खाता है। नेक्स्ट डे आप आपके पैरेट को इस तरह से काट के दीजिए और देखिए वो खाता है। उसके बाद आप उसे सर्कल दीजिए, देखिए वो खाता है या नहीं। नेक्स्ट डे आप उनको ऐसे पीसेस बना के दे सकते हैं, स्क्वायर पीसेस क्यूब्स में, देखिए वो खाता है या नहीं। फिर आप उसे ग्रेट करके दे सकते हैं। ये नॉर्मली ग्रेटेड वाला जो होता है वो लव बर्ड्स को, फिंचेस को, बजीज को, ये जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, स्मॉल स्पीशीज के बर्ड, उनको ग्रेटेड वाला ज्यादा पसंद होता है। और ये जो चंक है ये कॉकटेल्स को ज्यादा पसंद होता है। ज्यादातर अलेक्जेंडर रिंगनेक और प्लम हेडेड पैरट्स को ये चंक ज्यादा पसंद होता है। और अगर आपके पास मकाव या अफ्रीकन ग्रे या कॉकटू है तो उनको ये चंक वाला पसंद होगा। तो उस हिसाब से आपको देना है। ये जो मेरा वीडियो है ये लिमिटेड अलेक्जेंडर के लिए या लिमिटेड रिंगनेक के लिए नहीं है। ये जो मेरा वीडियो है हर एक पेट ओनर्स के लिए है, हर एक ओनर्स जिनके पास पेट बर्ड्स हैं, कोई भी स्पीशीज के बर्ड हो आपके पास, उन सबको आपको वेजिटेबल्स ही खिलाना है। उनके सभी के लिए वेजिटेबल इज हेल्दी डाइट, सीड हेल्दी डाइट नहीं है। मैं पहले भी बोल रही हूँ, अभी भी बोल रही हूँ और बार बार बोलूंगी, सीड डाइट खाने से बर्ड्स को फैटी लिवर्स हो जाता है, लिवर फेलियर हो जाता है, उनको ओबेसिटी हो जाता है, ओवरवेट होता है और उस वजह से वो जल्दी मर जाते हैं। तो आपको आपके पास जो भी पेट बर्ड्स हैं, भले ही लव बर्ड, बजीज, कॉकटेल्स, कॉकटू, अफ्रीकन ग्रे, मकाओ, अलेक्जेंडर, प्लम हेडेड, रिंग नेक, व्हाटएवर, जो भी, अगर ये लिस्ट में मैंने उनका नाम नहीं लिया जो आपके पास है, फिंचेस या बाकी के कोई और भी बर्ड, हर एक बर्ड के लिए वेजिटेबल इज द बेस्ट डाइट, वेजिटेबल इज द बेस्ट फूड फॉर हेल्दी ग्रोथ। उनके लिए हेल्दी रहने के लिए, सबसे लंबी जिंदगी जीने के लिए वेजिटेबल्स इंपॉर्टेंट है। तो अभी अगर आपका बर्ड ने आज तक वेजिटेबल नहीं खाया है तो आपको ट्राई करना होगा, जानना होगा कि आपके बर्ड को कौन सा वेजिटेबल पसंद है फर्स्ट, सेकंड उसको वेजिटेबल किस तरह पसंद है, क्या वो स्ट्रेट फुल वाला खा सकता है या उसे लंबे काटे हुए पसंद है, या उसे राउंड वाला पसंद है, या उसे ग्रेटेड पसंद है, या उसे क्यूब्स पसंद है, या उसे पका हुआ पसंद है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप आपके बर्ड को ये दे और देखिए कि वो कौन सा वाला खाता है। इसमें से कोई ना कोई उनको जरूर पसंद आएगा, ये मेरा गारंटी है। आप ट्राई कीजिए, रोज एक एक देके देखिए, या तो फिर अगर आप ऐसा प्लेट में दे कर दीजिए कि वो किस तरह से खाते हैं। तो पहला तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको आपके बर्ड के साथ रिलेशन मेंटेन करना है। सेकंड, उनका चॉइस को आपको रिस्पेक्ट करना है, उनका इंटरेस्ट क्या है वो आपको जानना होगा, तभी ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स आपको काम आएंगे। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है, बर्ड जब हम घर में लाते हैं तो उनके चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। हमने कोई शोपीस लाया नहीं है, वो हमारा फैमिली मेंबर है। जितना हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, खुद के लिए करते हैं, पति के लिए करते हैं, बीवी के लिए करते हैं, सास ससुर के लिए करते हैं, माँ बाप के लिए करते हैं, उसी तरह से हमें अपने बर्ड के लिए या अपने पेट्स के लिए भी करना होगा, क्योंकि वो जब हमारे पास आते हैं उनकी पूरी जिंदगी हमारे हाथ में है। हम उन्हें जो खिलाते हैं वही वो खा के जीते हैं, ये हमारे हाथ में है। मैंने सुबह वीडियो डाला था, उसमें मैंने कहा था व्हाट यू ईट इज व्हाट यू आर, जो तुम खाते हो तुम वही हो। अगर तुम हेल्दी खाते हो तो तुम हेल्दी रहोगे, अगर तुम जंक खाते हो तो तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा फेदर्स, या इंसानों के लिए भी जंक फूड खाने से उनका बॉडी भी जंक हो जाता है, हेल्दी नहीं रहते हैं। तो उसी तरह से हमें हमारे बर्ड को हेल्दी खाना खिलाना है, हेल्दी चीजें देनी है, सीड्स हेल्दी ऑप्शन नहीं है। अब अगर आपने ये ट्राई किया जो मैंने आपको ये वेजिटेबल्स करने बोला था, अगर आपने ये ट्राई किया है और आपके बर्ड इसमें से कुछ भी नहीं खा रहे हैं, उनको इसमें से कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे पास दूसरा ट्रिक है। दूसरा ट्रिक ये है
कि आपको बर्ड चॉप बनाना है। बर्ड चॉप कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, इसी वीडियो में मैं बर्ड चॉप भी बनाकर आपको दिखाऊंगी किस तरह से बनाना है। जबकि मेरा बर्ड चॉप का ऑलरेडी एक वीडियो है जो मैंने डाला हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें दूसरे वेजिटेबल्स लिए हैं मैंने, ज्यादा वेजिटेबल्स लिए हैं, पर इस वीडियो बनाने के लिए मेरे पास जो जो वेजिटेबल अभी अवेलेबल है उससे मैं आपको बर्ड चॉप बना के दिखाऊंगी। बर्ड चॉप बनाने के लिए मैंने लिया है कैरेट, स्वीट कॉर्न, दो हरी मिर्च जिसे ग्रीन चिली कहा जाता है, धनिया पत्ता, एक कैप्सिकम और कैबेज। ये कैबेज मैं पूरा यूज नहीं करूंगी, इसमें से आधा यूज करूंगी। तो ये सारा मिक्स करके मैं बर्ड चॉप बनाऊंगी। बर्ड चॉप बनाने के लिए आप कोई भी सेफ वेजिटेबल ले सकते हैं और सबको मिक्स करके चॉप करके एक साथ दे सकते हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन होता है बर्ड को देने के लिए, क्योंकि बर्ड को सारे वेजिटेबल्स के न्यूट्रिशन साथ में मिलते हैं। तो बर्ड चॉप देना जरूरी है, स्पेशली उन बर्ड्स के लिए जो बड़े बड़े चंक्स में या बड़े बड़े पीसेस में वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते हैं और जो वेजिटेबल देख कर भाग जाते हैं। अगर आपने उनको बर्ड चॉप बनाकर दिया तो उनको वेजिटेबल्स का डिफरेंस समझ में नहीं आएगा कि आप कौन सा वेजिटेबल उन्हें दे रहे हैं, क्योंकि चॉप करने से सारे वेजिटेबल बहुत ही फाइन और छोटे छोटे कट हो जाते हैं, जिससे उनको समझ में नहीं आता है आप उन्हें क्या दे रहे हैं। और चॉप देना बहुत अच्छा होता है, इसमें सारे वेजिटेबल्स के न्यूट्रिशन एक साथ बर्ड को मिल जाता है। इसका चॉप बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे दिखता है। मेरे पास ये छोटा सा चॉपर है जो पिजन कंपनी का है, मुझे याद नहीं मैंने कितने में लिया है। इसमें मैं सारे वेजिटेबल्स डालकर चॉप करती हूँ। अगर पानी वाला वेजिटेबल है तो उसको मैं अलग से चॉप करती हूँ। अभी मैं फिलहाल कैबेज ली हूँ चॉप करने के लिए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बड़ा बड़ा चंक है, अभी मैं चॉप करती हूँ। ये देखिए चॉप हो गया है। तो ऐसा चॉपर आप ले सकते हैं अगर आपके पास चॉपर नहीं है, या तो फिर अगर आपके पास बड़ा वाला चॉपर है वो भी यूज कर सकते हैं। पर मेरे लिए रियो को वेट चॉप बनाने के लिए काम आ जाता है। इसमें थोड़ा सा क्वांटिटी में हम बना सकते हैं। बनाकर ये जो चॉप है हम एक हफ्ते तक फ्रीजर में स्टोर करके उन्हें रख सकते हैं, और जब उन्हें देना है तो आधे घंटे पहले बाहर निकाल के रखिए और फिर आप उनको दे सकते हैं। अगर आप बड़ा बल्क में बना रहे हैं तो आप जिप जो होता है, जिप लॉक पाउच होता है, उसमें डालिए, फ्रीजर में रखिए, एक महीने तक आप ये स्टोर कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा दिखता है। ये देखिए काफी अच्छे से चॉप हो गया है। मैंने ऑलरेडी इसमें कैरेट और कैप्सिकम भी किया था, उसके बाद कैबेज किया है। तो इस तरह से आप चॉप करना है आपके वेजिटेबल्स को। तो बर्ड चॉप बनने के बाद ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। इसमें कैप्सिकम है, कैरेट्स है, कैबेज है, धनिया पत्ता है और कॉर्न है, हरी मिर्च है। ये सारे मिक्स करके मैंने चॉप बनाया। भले ही इसमें से कुछ वेजिटेबल्स मैंने पहले अलग अलग चॉप किया है, साथ में नहीं किया है। कुछ वेजिटेबल्स में वाटर ज़्यादा होता है तो उन्हें आप अलग चॉप कीजिए, जिसमें वाटर नहीं होता है उन्हें अलग चॉप कीजिए। ऐसे करके फिर उनको मिक्स कर दीजिए। तो ये जो कंटेनर है ये टपरवेयर का है, इसमें लिड आता है, तो मैं इसी में उसको स्टोर करके रखूंगी, क्योंकि ये फ्रीजर प्रूफ है, फ्रिज प्रूफ है, और इसको हीट भी कर सकते हैं, ये चिल भी रह सकता है। तो ऐसे वाले कंटेनर में रख रही हूँ मैं। अगर आपके पास ऐसा वाला कंटेनर है उसमें रखिए, नहीं तो जिप लॉक पाउचेस आता है जिसे जिप कर सकते हैं, जो फ्रीजर प्रूफ होता है उसमें रखिए। बाकी जो नॉन टॉक्सिक प्लास्टिक्स आता है या BPA फ्री प्लास्टिक आता है ऐसे में रखिए, पर ऐसी चीजों में मत रखिए जिसमें से बर्तन का केमिकल फूड में चला जाए, क्योंकि हमें इन्हें ज्यादा टाइम के लिए रखना है। अभी मैंने ये जो बर्ड चॉप बनाया है ये मुझे 4 या 5 दिन के लिए जाएगा, तो मैं इसमें इसको स्टोर करने वाली हूँ। रियो एक साथ इतना तो नहीं खाएगा, पर 4-5 दिन में ही वो जरूर खत्म करेगा, तो मैं सिर्फ 4-5 दिन के लिए ही बनाई हूँ। आप भी चाहो तो 4-5 दिन के लिए बना सकते हो, वो अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि 5 दिन के बाद आप दूसरे वेजिटेबल्स मिक्स करके उसका चॉप बना सकते हो। ऐसे आप आपके बर्ड को दे सकते हो। पर ऐसा होता है कभी कभी आप बिजी हो, आप जॉब पे जाते हो या आप घर से काम कर रहे हो तो आप बिजी हो, तो ऐसे बना के रखना एक बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। आप बर्ड चॉप बना के रखिए, फ्रीजर में स्टोर कीजिए, और तीनों टाइम या चारों टाइम आप आपके बर्ड को यही दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, यही दीजिए। और एक एक पीस
फ्रूट का कट करके दीजिए, या तो उसको भी आपको चॉप करके देना है तो उसे भी चॉप करके दीजिए, पर ऐसे करके देना इस बेस्ट ऑप्शन। बर्ड्स को पता नहीं होता इसमें क्या क्या है और वो खा लेते हैं बिना जाने बिना समझे। ये अच्छा है उनको ट्रिक करने के लिए बर्ड चॉप, स्पेशली वो बर्ड्स जो बिल्कुल भी वेजिटेबल्स पसंद नहीं करते हैं, नहीं खाते, उनको देना है ऐसा वाला।